और मैं आपको बता दूं सिर्फ 25 ही मिनट बाकी रह गए जब काउंटिंग शुरू होगी और यहाँ पर हम अब नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर नंबर बताइए ना क्या होने वाला है। देखिए नंबर से पहले एक छोटा सा शेर वो ये है कि माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं है हम, मेरा शौक तो देख मेरा इंतजार तो कर, मुझे लगता है कि महाराज सब कुछ जारी कराएगा और नए नतीजे भी देगा और यही तय करेगा कि मोदी 300 पार या 300 के नीचे। क्या बात है, जो आपने शायराना अंदाज दिखाया ना इसी के साथ हमने भी एक दिलचस्प अंदाज दिखा दिया है जिसके जरिए हम नंबर दिखाएंगे और यहाँ पर देखिए कैसे बिलबोर्ड्स फटेंगे और वो गाड़ियां जो हैं नंबर के साथ उसमें बाहर निकलेंगी। एनडीए इंडिया, एनडीए इंडिया, आज सवाल बड़ा यही रहने वाला है, क्या होने वाला है अमिताभ? देखिए मैं गुजरात के संदर्भ में कहूँ तो पूत के पांव पालने में दिख गए हैं, बोहनी अच्छी हुई है। अब ये देखना होगा कि आगे ये बोहनी देश की राजनीति में बीजेपी के लिए साख पर बट्टा लगाएगी या फिर मंगलकारी साबित होगी, और अगर इसी अनुरूप सब कुछ रहता है तो जाहिर है 300 पार तो बड़ी आसानी से बीजेपी करेगी। वो कहते हैं ना फटा पोस्टर निकला हीरो, अब यहाँ पर दो दो पोस्टर फट रहे हैं, दो दो शख्सियतें बाहर आ रही हैं, कौन हीरो कौन जीरो ये तय होगा। और फिलहाल वो जो एनडीए वाली गाड़ी है उस पर पहले ही एक नंबर नजर आ रहा है और इस एक नंबर का राज जो है वो यहाँ पर गुजरात एक्सपर्ट बताएंगे हमें। सूरत उम्मीदवार का नाम बताइए जो जीत चुके हैं। मुकेश दलाल ने ये कमाल किया, हालांकि इस कमाल पर कई सवाल भी थे, बावजूद इसके बीजेपी ने अपनी बोहनी की है और बीजेपी की बोहनी पहले ही हो गई है। देखिए काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, बीजेपी की बोहनी पहले हो गई है, एनडीए के खाते में एक नंबर नजर आ रहा है क्योंकि वो सूरत की सीट है, मुकेश दलाल जीत चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।